मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आता इंजीनियरिंग। बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। पर रैंचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम में खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? वास्तविकता ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। इंजीनियर बनके फिर स्टेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी में आपको कोसूंगा। मैं तो यही ना कि अपने आपको कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुनाकर वो खुद करने में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जुर्म घुमाने नहीं लेके गए थे। उस बाप ने किया था अब आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी खींचे परीक्षा करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से वरना छत से कूद पड़ेंगे। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो राजू है इसे हम शैतान कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया। कहने लगा कि रमेश कल जब भाई ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखना और सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब मैं तुम्हारी उलड़ी में बॉडी देख लेगा। मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, पर ये सुसाइड की तलवार आपके साथ लटका करें क्या होगा? आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना। प्लीज अबा, अबा जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना बेटे, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? लैपटॉप के लिस्ट आ जाएगा ना, अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटे। जा बेटे अपनी जिंदगी चल रही। राजू वेंट फॉर हिज जॉब इंटरव्यू इन अ व्हीलचेयर, quite fashionable. So, you had an accident? Sir, सामने जो बिल्डिंग